हेलो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ्स पे। मैं हूं दीपक कुमार सिंह और आज हम लोग जानेंगे लॉगरिथम्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक प्रॉपर्टीज पे, वो सारा क्वेश्चन। तो आज का ये जो इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा है ना, जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और आज आप लोग सारे जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे कि किस तरह से सर क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि आप थ्योरी तो ऑलरेडी तीन क्लास पढ़ चुके हैं, तीन क्लास आपका लॉग का हो चुका है ना, ये फोर्थ लेक्चर है। जो बच्चे तीनों क्लास नहीं देखे हैं, जरूर से जरूर आप तीनों क्लास देख लीजिए पहले, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा ये। क्योंकि इसमें जो हम लोग है पढ़ेंगे यहाँ पे उन्हीं सारे फॉर्मूलाज, उन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन बनाना सीखेंगे आज, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन सब होगा आज का, बट अच्छा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, दिमाग एकदम खोल के रखिएगा आप लोग। तो आज का ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो फिर अगला लेक्चर आएगा उसमें इनइक्वालिटी वाला जो पोर्शन है वो डील करेंगे। इनइक्वालिटी लॉग में आने पे क्या होता है, वो सारा तरह का जो क्वेश्चन होगा वो अगले लेक्चर में करेंगे, और उससे थ्योरी भी थोड़ा सा है वो भी उसमें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लॉग का जो डेफिनेशन है, उसका जो ग्राफ है, और उसका जो 10 प्रॉपर्टीज है जो कि सारे चीज पढ़ा के रखे हैं पहले से, उन्हीं सभी का एप्लीकेशन हम लोग आज देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 बेस में 3, log 5 बेस में 4, log 6 बेस में 5, log 7 बेस में 6, log 8 बेस में 8, log 8 बेस में 7, log 9 बेस में 8, बोल रहा है क्या कि आप इसका वैल्यू निकाले, कि इसका जो है वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ध्यान से आप देखिए, जरा सा थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, बहुत आसान है, लग रहा है कितना लॉग लगा हुआ है, एकदम इजी है एकदम, आप देख लीजिए जरा सा, उसके बाद लगेगा कि सच में ये इजी था। अब यहाँ पे 10 जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ के रखे हुए हैं, उनमें से कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आपके दिमाग में ये कैसे क्लिक करेगा कि किस प्रॉपर्टी को यूज करें, यदि ये आ गया समझ में कि ये प्रॉपर्टी लगाना है, फिर तो काम बन गया, तब तो फिर कुछ करना ही नहीं है। हाँ, 10 प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, यदि आपको वो याद नहीं है पहले आप उसको याद कर लीजिए आके, फिर ये वीडियो आके देखिएगा आप। अब देखिए, log 4 है लिखा हुआ, बेस में 3 है, तो यहां पे इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि यहां पे 4 है आर्ग्यूमेंट और अगले log का बेस है आर्ग्यूमेंट, तो कैंसिल होने का चांस है, मल्टीप्लाई में है ना सारा, इसीलिए देखिए log ये 4 बाय log 3 लिख सकते हैं, इसको बेस चेंज फॉर्मूला, लगाए हैं, log 4 बाय में log 3, बेस में जो 3 रहता है ना वो log में लग के नीचे आ जाता है। अब इन दोनों जो log है, इसका जो बेस है वो कुछ भी लिख सकते हैं आप, बेस में कुछ भी, e या 10 या 5, कुछ भी जो मन है आपका वो बेस में लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, मतलब बेस में ई है, स्मॉल ई, ठीक है, स्मॉल ई है, इनटू, अब इसको कैसे लिखेंगे बताइए, log 5 बाय log 4 गुना, इसको कैसे लिखेंगे, log 6 बाय log 5, ठीक है, गुना log 7 बाय log 6, यहां इनटू log 8 बाय log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8। चलिए देखिए जरा सा, अब यहां पे महायुद्ध होगा, छिड़ गया है, log 4 से log 4 कैंसिल, log 5 से log 5 कैंसिल, log 6 से log 6 कैंसिल, log 7 से log 7 कैंसिल, log 8 से log 8 कैंसिल, बच क्या गया, log 9, और यहां बच गया log 3, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं कैसे होगा, तो बचा हुआ जो चीज है उसको लिखते हैं यहाँ पे log 9, log 9 है ना ऊपर में, log 9 को क्या आप log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
ये जो स्क्वायर है पावर में जो टू है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है लगा हुआ, वही फॉर्मूला लिखवाए ना वही लगा दिए। तो देखिए लॉग थ्री से लॉग थ्री कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया टू। देखिए आंसर आ गया टू इस क्वेश्चन का, हार्ड नहीं था, हार्ड था क्या? नहीं था हार्ड। आप देखिए यहां पे जो फॉर्मूला लगा वो कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो यहां पे जो लगा है फॉर्मूला वो ये वाला लगा है फॉर्मूला, यहां आपको लिख देते हैं। देखिए लॉग और यदि ए का पावर में एन रहता है ना तो एन क्या होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, एन इंटू लॉग ए, ये फॉर्मूला यहां पे लगा, टू मल्टीप्लाई में आ गया, लॉग थ्री से लॉग थ्री कैंसिल और यहां पे बेस टेन फॉर्मूला लगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे आइए, ए का पावर एक्स का वैल्यू बी है, बी का पावर वाई का वैल्यू सी है और सी का पावर जेड का वैल्यू ए है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई टू जेड। आराम से सोचना है, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको एक्स इंटू वाई इंटू जेड चाहिए, ओके मिल जाएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू चाहिए अपने लोग को। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू जो है उसको लिखिए या वाई का वैल्यू जो है उसको लिखिए, जेड का वैल्यू लिखिए, तीनों को गुना कर देंगे बन जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मिलेगा कहां से, यहां से मिलेगा बच्चे, यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो ए का पावर एक्स इक्वल टू बी है, तो यदि आप दोनों तरफ लॉग लगाते हैं ऐसा बोलिए, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आप कैसे जाते हैं यदि ये पता है तो आप कर सकते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है ये ए का पावर एक्स इक्वल टू बी, पहला वीडियो में बताए थे कैसे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाते हैं। देखिए जो इधर का बेस है ना ए वो लॉग का बेस हो जाएगा, लॉग का बेस में हो जाएगा वो जो बेस है ए, और इधर बी है ना उधर बी लग जाएगा ऐसे लॉग के आगे में, और एक्स का एक्स ऐसे बनता है। अब देखिए दूसरा में वाई इक्वल टू बताइए तो क्या होगा, लॉग बेस में बी और ये वाला सी। जेड इक्वल टू बताइए तो क्या होगा, लॉग बेस में कितना जो ये बेस है सी और यहां पे ए आ जाएगा। आया बात समझ में, एक्स वाई जेड का वैल्यू समझ गए, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहां पे लिखेंगे आप, तो चलिए लिखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो लॉग बी यहां ए इंटू लॉग सी यहां पे बी इंटू लॉग ए यहां पे सी, ओके। चलिए अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लॉग बी बाई लॉग ए बेस चेंज फॉर्मूला इंटू लॉग सी बाई लॉग बी, ये तो आप समझ रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में यही किए थे काम है ना, इंटू लॉग ए बाई लॉग सी, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, लॉग सी से लॉग सी कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, आंसर हो गया कितना वन। देखिए कितना आसानी से वन आ गया आंसर, तो वन है इस क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको आप देखिए और उसको पहले आप जो है सो लिख लीजिए है ना, फिर जो ये क्वेश्चन है ना इसको ऊपर बनाएंगे, ठीक है, देख लीजिए आप इसको लिख लीजिए फटाफट से लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन था पहला, दूसरा देखने में बस लग रहा था कि हार्ड है बट ऐसा कुछ था नहीं, इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी ही होता है, आपको पहले डर लग जाता है इसीलिए डर जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है, डरिए मत फिर बनेगा क्वेश्चन। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा, अब क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थ्री का 81 है, 81 के जो पावर में लिखा हुआ है वह है 1 बाई लॉग और बेस में 5 3। तो देखिए 81 का पावर में 1 बाई लॉग 5 और 3, चाह रहे हैं कि 1 बाई का झंझट हटा दे, 1 के बाई में लॉग है ना वो 1 बाई वाला झंझट हटा दे, तो क्या करना होगा, यदि आप बेस को और आर्ग्यूमेंट को इन दोनों चीज को चेंज करते हैं आपस में, इंटरचेंज करते हैं आपस में, तो लॉग जो है पूरा उठ के ऊपर चला जाएगा, तो वही काम कर देते हैं। देखिए लॉग और चेंज कर दिए, इस दोनों को इंटरचेंज कर दिए, 3 5 को इंटरचेंज कर दीजिए, 3 यहां आ गया और 5 यहां आ गया, ठीक है। अब प्लस 27 के पावर में लिखा हुआ है वो, तो यहां पे लॉग, यहां पे देखिए
ये थ्री का स्क्वायर है लिखा हुआ है ना, तो इसको थ्री का स्क्वायर लिखिए। और 36 है, 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 को हम लोग लिख सकते हैं है ना, कैसे लिखिएगा सोचिए, 6 का पावर 2, 6 का पावर 2, 6 का पावर 2 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए प्लस, अब यहां पे देखिए 3 का पावर में है, 3 के पावर में है 4, और बाई में लिखा हुआ है ये, तो उसको मल्टीप्लाई में ले जाना चाहते हैं। बाई में जो लिखा हुआ है लॉग 9 आ गया नीचे, 7 ऊपर चला गया, तो 9 आ गया नीचे बेस में, 7 यहां चला गया, इस तरह से। अब चलिए अगला स्टेप देखिए, 81 है ना यहाँ पे, तो 81 को क्या करते हैं कि 3 का पावर में 4 ऐसे लिख देते हैं। 81 को तो लिख ही सकते हैं 3 का पावर में 4, और 3 का पावर 4 में ये मल्टीप्लाई है, ऐसे लॉग 3 और यहाँ पे 5। प्लस 27 को लिख देते हैं 3 का पावर कितना, 3 का पावर में 3, ठीक है, और ये पावर में है पूरा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई समझिए यहां पे है, 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। प्लस यहां पे देखिए 3 का पावर में है ना 4 इंटू लॉग है ना, ये 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू यहां पे 7, लॉग के आगे में 7, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल ही आराम आराम से समझना है, एकदम आराम आराम से समझिए। देखिए जी, कोशिश कर रहे हैं ये फॉर्मूला लगाने का, बता देते हैं आपको, a का पावर लॉग बेस में a हो, और यदि यहां पे x हो तो x हो जाता है, ये फॉर्मूला बताया गया है आपको, मतलब ये टोटल का बेस और लॉग का बेस ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां पे 3 है, 3 का पावर में 4 है, 4 तो इस लॉग के साथ में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई रहता है तो ये तो यहां चला जाता है पावर में, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस में है 3 5 का पावर 4, 5 का पावर में 4 ऐसे लिख सकते हैं। प्लस देखिए 3 का पावर में, ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई में तो यहां चला जाएगा या नहीं, 3 चला जाएगा वहां पे, ठीक है। अब तो हम लोग 3 यहां पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके पावर में चला जाएगा, तो 3 और गुना 2 6 हो जाएगा। अच्छा एक बात, ये जो 2 है वो तो बाहर आएगा, अच्छा तो पहले एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस 2 को देखिए 3 का ये 3 रहने दिए, ठीक है, और ये जो है लिखा हुआ 3, तो उस 3 को ऐसे 3 रहने दिए, गुना ये जो 6 के पावर में 2 है तो वो 2 आ गया यहां, और ये जो 3 का पावर 2 है वो 2 आ गया यहां, ठीक है। लॉग क्या बच गया यहां पे, 6, अब यहां पे क्या बच गया, 3। ये कैसे हुआ, ये प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, देखिए लॉग यदि b का पावर में हो m और a का पावर में हो m, तो क्या होता है, ये m ऊपर वाला ऊपर में रहेगा, by b के पावर में जो है नीचे में वो नीचे में रहेगा, और log a by b, यही फॉर्मूला लगाए हैं, सारा प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है, तो ये लगा दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्लस 3 का पावर, ये भी 2 आएगा यहां पे डिवाइड में, तो 4/2 और लॉग 7 यहां पे 3। देखिए जी 3 है ना, देख रहे 3 को आप, 3 और ये वाला 3 दोनों मैच किया, पूरा का जो लॉग का जो बेस है, पूरे का जो बेस है वो 3 है, लॉग का बेस है 3, दोनों मैच कर गया, मैच कर गया मतलब आंसर क्या होगा इसका, 5 का पावर 4। कौन सा प्रॉपर्टी, इसको देखिए जरा सा, इसको देखिए प्रूव किया हुआ है पीछे। प्लस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो 3 बचा हुआ है, ये 3 तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बच जाएगा, 3 का पावर में लॉग 6, 6 का पावर 3, अब बेस में लॉग का क्या है 3। प्लस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 log 7 ये पावर में चला जाएगा 2, अब बेस में कितना 3, तो ये हो गया 5 को 4 बार आप गुना करिए, तो 5 गुना 5 और फिर 5 अब फिर 5, तो 625। प्लस देखिए जरा सा, ये बेस और ये बेस दोनों मैच किया, तो कितना हो जाएगा, 6 का पावर 3। प्लस
ये 7 का पावर में 2, तो अब आप सबको जोड़ लीजिए, 6 × 6 × 6 प्लस 7 का पावर में आप सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना था। तो आराम आराम से देखिए कि किस तरह से बनेगा। शुरुआत में कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि लगेगा कि किस तरह बन रहा है, बट फिर आपको धीरे धीरे इसमें मजा आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये सारा देखिए आप कैसे बना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छोटू, वो देखो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू निकालना था, 4 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, बेस में है 5, फिर आगे में है लॉग, फिर इसके बेस में है लिखा हुआ 2, फिर आगे में है लॉग, फिर इसके बेस में लिखा हुआ है 3, फिर आगे में है लॉग, फिर इसके बेस में लिखा हुआ है 2, और फिर लिखा हुआ है 512। देखिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार फिर से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही इत्मीनान से पढ़ना है, समझना है। देखिए क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लॉग, इतना का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू निकालना है आपको इस पूरे चीज का, तो यहां से शुरू करते हैं बनाना, लास्ट से 5 log 2 बेस में 3 लॉग के बेस में 2, 512 को आप क्या लिख सकते हैं, ये जो 512 होता है ना वो 2 का पावर में 9 होता है, बेस में क्या था लॉग का 2, तो सोचना था कि 2 के क्या कोई पावर 512 आएगा, तो 2 का पावर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 2 का पावर में आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 बार 2 को, तो 512 ही आता है, तो 2 का पावर 9। अब यहां से एक बात क्लियर हो गया, क्या हो गया क्लियर, कि लॉग 5 log 2 into log 3 बेस में, और ये जो 9 है ना, ये 9 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां तो 9 आया। ठीक है, तो बच कितना गया, log 5 log बेस में 2 log यहां पे 3 बेस में, और ये 9 जो है उसको हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। अब बताइए log बेस में 5 log बेस में 2, और ये जो 2 है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू log बेस में 3 और यहां भी 3, वो वैल्यू फिर से क्या हो गया 1, ये वैल्यू फिर से क्या हो गया 1, तो 1 हो गया, तो क्या बचा अब यहां पे, तो यहां पे जो बचा वहां इसको यहां पे लिख रहे, देखिए 5 log 2 है ना, और ये वाला भी यहां पे है 2, अब ये वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 हो गया log यहां पे 5 यहां पे 1। अब बताइए आपके log 1 चाहे कुछ भी बेस हो 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0, प्रॉपर्टी वहां एक्सप्लेन किया गया है log 1 0, सारा प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए तभी बनेगा ये सारा क्वेश्चन जो है, वो सारा प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद का टॉपिक है, बाद का ये सब चीज वीडियो है। तो चलिए इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, 1 हो गया, सॉरी लास्ट में 0 आ गया आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छोटू वो देखो क्या है, उसमें आपको देखिए बताना है कि दोनों में कौन है ग्रेटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में है कि एक्स इक्वल टू लॉग बेस में 3 और यहां पे 5, और वाई इक्वल टू दिया हुआ है लॉग बेस में 17 यहां पे 25, पूछ रहा है कि x बड़ा कि y बड़ा। ठीक है, x और y में कौन सा बड़ा है दोनों में, चलिए हो जाए फैसला कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो देखिए x जो लिखा हुआ है ना वो इस तरह से, y वो इस तरह से है, दोनों जगह log को ऑब्जर्व करिए, हमेशा ही कोशिश करना है कि log का बेस जो है ना जितना ही log हो सबका बेस यदि सेम हो सके तो सेम बना के कोशिश कीजिए। ठीक है, इधर है log के आगे में 5, इधर लॉग के आगे में है 25, बेस दोनों का है अलग, बेस यदि सेम रहेगा तो कंपैरिजन आसान होता है करना, इसलिए बेस को सेम करिए, तो बेस में ये 5 आएगा नीचे में
है ना, और ये 25 आएगा ना, तभी जाके कोई चांस है कि बेस सेम हो। इसीलिए इसको आप ऐसे लिखिए x इक्वल टू, जैसे ही हम लोग यहां पे 5 को यहां करेंगे और 3 को ऊपर करेंगे तो वो हो जाएगा 1/ इतना log, यहां बेस में 5 आ गया, यहां पे 3 हो गया, ठीक है। और y इक्वल टू 1/ log, बेस में आ गया 25 और यहां पे जो 17 है ये 17 हो गया, ठीक है। चलिए x इक्वल टू, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5 यहां पे 3 इक्वल टू 1/x, ना लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां गया और ये x यहां आ गया 1/x। चलिए यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, log 17 टू द बेस 25, 25 वाले बेस को हम क्या 5 का स्क्वायर लिख दें, इक्वल टू 1/y। log 3 टू द बेस 5 इक्वल टू 1/x, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है 1/2, और log बेस में 5 17 इक्वल टू 1/y, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए अब यहां से क्या करना है, आप सोचते हैं यहां से क्या है ना कि यहां पे आपका 1/2 आया है ना, लेकिन इसमें 1/2 नहीं है, बेस तो सेम है दोनों का, बेस सेम है, लेकिन यहां पे 1/2 है, जहां पे 1/2 नहीं है, जहां पे 1/2 नहीं है, तो आपको क्या करना है पहले कि ये 1/2 को या तो यहां से हटा दीजिए या वहां यहां भी 1/2 से गुना भाग कर दीजिए, ये हो पाए। तो आप क्या करना चाहते हैं, 1/2 हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, ये कहां चला जाएगा, पावर में चला जाएगा 17 के। तो कैसे लिखेंगे इसको, लॉग यहां पे 5 17 का पावर में 1/2, 17 का पावर में 1/2, 1/y ऐसे होगा, ठीक है। 17 का पावर 1/2 कितना होता है, 17 का पावर 1/2 होता है √17, √17 का वैल्यू जो होगा वो 3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। आप ये बात समझिए कि 3 तो हुआ 3, √17 हुआ 4 से भी ज्यादा, क्योंकि √16 होता है 4, तो √17 तो 4 से भी ज्यादा होगा ना, तो 3 से ज्यादा होगा। तो लॉग के आगे में ये 3 है और यहां पे लॉग के आगे में √17 है, तो बड़ा तो हो गया √17, इसका मतलब ये ज्यादा हुआ या फिर ये ज्यादा हुआ, तो वही ज्यादा हुआ, ऑब्वियस सी बात है उसमें √17 है। यहां से दो चीज समझना है, यदि लॉग का जो बेस है वो 1 से बड़ा हो, तो यदि लॉग का बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो आगे में जितना बड़ा चीज रहेगा उतना ही उस लॉग का वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे कि लॉग का बेस यहां पे 5 है, 1 से ज्यादा है, तो √17 पे लॉग का वैल्यू ज्यादा होगा। यही यदि लॉग का बेस 1 से कम होता, 0-1 के बीच में होता, तो फिर लॉग के आगे में 3 है तो यही पूरा वैल्यू ज्यादा होता उससे, बेस पर डिपेंड करता है। बेस 1 से ज्यादा हो तो लॉग के आगे में जिसमें ज्यादा वैल्यू वही बड़ा, तो √17 ज्यादा है, इसीलिए यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि लॉग जो है ना बेस 5 पे √17 ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है, किससे, इससे। अच्छा अब यदि ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 1/y जो है ना वो ज्यादा है, बड़ा है किससे, 1/x से, 1/y बड़ा है किससे, 1/x से, ठीक है। तो अब 1/y को यदि पलट देंगे y हो जाएगा, x पलटेंगे तो x होगा। यदि हम लोग इनइक्वालिटी का साइन रहे बीच में और दोनों को रेसिप्रोकल लेते हैं, पलटते हैं दोनों को, तो साइन भी पलट जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग पलटते हैं दोनों तरफ से तो साइन भी पलट जाएगा, तो ग्रेटर का साइन लेस का हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। तो x का तरफ में ग्रेटर का साइन है, मतलब x ज्यादा है किससे, y से, तो आपका ये प्रूव हो गया ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू क्या है, कम है, बात समझे, x ग्रेटर है y से, मतलब ये ज्यादा है वो कम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि किस कौन ज्यादा कौन कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव करना है इसमें लॉग
प्रूव दैट लॉग है ना बेस टू सेवन, ये लॉग बेस टू और सेवन ऐसे लिखा हुआ है, ये जो है ना एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है, वो कैसे प्रूव करेंगे देखिए। तो दिस इज एन इरेशनल, दिस इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो इसको हम लोग प्रूव यदि करना चाहेंगे तो प्रूफ कैसे होगा, तो देखो कैसे प्रूफ होगा इरेशनल। सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि मान लीजिए ये रैशनल नंबर है, लेट दिस इज, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मीन्स कि इसको यदि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तब तो ये रैशनल है। तो हम लोग इसको रैशनल पहले मान लिए। अब क्या करना है कि ये रैशनल है ऐसा माना गया मेरे तरफ से, बट यदि इसमें कंडीशन गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। यहां पे जो p और q है वो क्या है, p और q माने हैं r इंटीजर, ऐसा मान के चले। तब मैं इंटीजर बाय इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, p बाई q के रूप में लिखते हैं जो। अब देखिए जरा सा यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं log 7 by log 2, ऐसे वो लिख ही सकते हैं log 7 by log 2, बेस चेंज फॉर्मूला से इक्वल टू p by q लिख दिए, मल्टीप्लाई करिए तो q into log 7 इक्वल टू p into log 2 है ना। अब इसको हम लोग q को यहां पावर में ले जाएंगे तो 7 का पावर q इक्वल टू p जाएगा पावर में तो 2 का पावर p। अब बताइए आप जरा कि 2 के पावर में p है और 7 के पावर में q लिखा हुआ है यदि, ठीक है, 2 का पावर में p है और 7 के पावर में q लिखा हुआ है, तो इसका कोई भी ऐसा वैल्यू है आपके पास में 2 का, सॉरी p का कोई ऐसा वैल्यू आप बताइए और q का कोई ऐसा वैल्यू बताइए जो कि देने पे दोनों इक्वल हो जाए। 2 का पावर में 3 देते हैं तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा। 7 का पावर में कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, कोई भी ऐसा पूर्णांक नहीं है जो कि यहां पर देने पे आपका जो वैल्यू है दोनों तरफ वो इक्वल हो सके। तो p और q यहां पे इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो p और q यदि इंटीजर नहीं हो सकता है, p एंड q कैन नॉट बी इंटीजर, p q कैन नॉट बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यदि इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बाय इंटीजर हम माने थे उसको, बट वो प्रूव हो रहा है कि इंटीजर ही नहीं है क्यू और पी भी इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये जो माने थे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो गलत है, मतलब हमारा मानना गलत है मतलब जो माने थे कि ये रैशनल नंबर है ये मेरा मानना गलत है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये जो नंबर है वो इरेशनल नंबर है, इरेशनल और परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि p और q का ऐसा कोई वैल्यू संभव नहीं है जो कि 2 का पावर p और इक्वल कर दे 7 का पावर q को, ओके। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का ये है, देखिए इसमें हम लोग क्या करना है कि वैल्यू निकालना है इसका, सिंपल। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से शुरुआत कीजिए आप, अंदर से शुरुआत करिए यहां से है ना, रूट के अंदर में 7 है, फिर रूट अंडर है 7 इंटू, ये जो इंटू दिए इस रूट 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट 7 को हम 7 का पावर 1 बाई 2 तो लिख ही सकते है ना। फिर देखिए 7, अब रूट के अंदर में ये क्या हो गया दोनों, तो इसका पावर में 1 था और इसके पावर 1 बाई 2 है, तो दोनों का जो पावर है वो जुट जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो जुटेगा तो ये 3/2 हो गया, ठीक है 3/2 हो गया। बाहर में जो भी लॉग लगा हुआ है ये सब तो लगा हुआ है ही। अब फिर ये रूट हटाएंगे, तो यदि हम लोग ये रूट हुआ हटाते हैं है ना, तो इस रूट को हटाने का मतलब होगा कि इसके पावर में 1/2 चढ़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, रूट अंडर 7 इंटू ये वाला 7 को लिखे और ये रूट हटाएंगे तो 7 का पावर जो 3/2 है, इस पूरे का पावर में ये रूट था ना, तो उस पूरे के पावर 1/2 हो जाएगा,
ठीक है, log 7 यहाँ पे 7, ठीक है, यहां आ गया। देखिए दोनों गुणा करिए, 3/4 हो गया, तो रूट अंडर 7 है ना, गुना 7 का पावर में 3/4, ठीक है। अब क्या करिए, यहां भी लॉग लिखना बाकी है, लिख ही देते हैं, चलिए ठीक है ऐसा। अब देखिए दोनों को पावर को जोड़िए जरा, तो पावर जोड़िएगा तो 4 + 3 7/4 ऐसा होगा ना। अब ये log 7 है, ये log 7 है, log 7 इस रूट को हटाइए, 7 का पावर में 7/4 है और गुना में 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहां से आया, इस रूट को हटाने के कारण इस पूरे पे पावर 1/2 हुआ, तो वही 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब log 7 और 7 का पावर में कितना हो जाएगा, 7/8, ठीक है, 7/8 हो गया। अब देखिए ये 7/8 जो है तो गुना में आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं, देखिए log 7 बेस में बाहर वाला रहा और वो जो पावर में 7/8 है वो आ गया मल्टीप्लाई में, इनटू में क्या होगा, log 7 और ये भी बेस में 7, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए, 1, तो log 7 यहां पे 7/8 ऐसे होगा, ठीक है, वो 1 हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 7 बेस में है माइनस log 8 ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको, देखिए log a by b क्या होता है, log a by b, log a माइनस log b, अब ये दोनों 7/7 है तो 1 माइनस ये क्या है बेस में 7 यहां पे 8, तो देखिए यही आंसर हो गया, उसका वैल्यू इस तरह से निकल गया। तो ये क्वेश्चन था, ये इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास में, और फिर हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और इक्वेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, आप जो है सो ये अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ओके।